तो ये घी और सिद्धू मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड जी को दे रही हूँ। तो गाइस ये देखिए इस तरह से सिड्डू बनाए। ये आप देख सकते हैं कितना यम्मी यम्मी बनाए। देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है साथ में घी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सुशीला शाह फिर से आपके लिए मैं एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो आज मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी कुछ अपने यहाँ का मौसम और यहाँ पे कौन कौन सी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये देखिए मैंने सुबह सुबह कपड़े धो लिए और अभी बाल भी गिले हैं, तो मैंने बाल को भी सुखाने के लिए रखा था। और साथ में ना मैं कुछ बना रही हूँ। और ये मैंने कल मतलब जो मस्कीटो नेट होती है, मार्केट में मस्कीटो नेट आती है, तो इनको हमारे यहाँ पे चरियों पे डाला जाता है क्योंकि ओले से बचाने के लिए, चिड़ियों से बचाने के लिए चरियों पर डालते हैं। तो इनको मैंने स्टिच किया था क्योंकि ये दो तीन पार्ट में आती है ना, तो अलग अलग आती है, तो इनको स्टिच करके बड़ा सा बनाते हैं। तो मैंने इनको स्टिच करके रखा है। और ये देखिए मैंने कितने सारे कपड़े धोए आज सुबह सुबह और फिर उसके बाद नहाई भी। तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले मौसम। तो गाइस यहाँ देखिए इस तरह का मौसम है, रेनी मौसम है आज। अब थोड़े से बादल हट रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात ये हुई कि मैंने जो ये फ्लावर्स लगाए हैं, गन्ना और फ्लावर्स लगाए इधर आगे से, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा। मैंने कल शाम को लगाया था इनको, तो ये बहुत ही अच्छा रहा इन फ्लावर्स के लिए। और ये देखिए चेरियों में भी फ्लावर्स आ रहे हैं। इसमें तो फ्लावर्स है नहीं, अब पत्ते आ गए हैं और फ्रूट्स लग रहे हैं। सेटिंग ऐसे कि इतना सारे बारिश हुई आज, मतलब रात से हो रही थी बारिश, तो ये हमने इसलिए रखा होता ना क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा पानी आए तो नीचे गिर भी सकता है। पिछली बारी बहुत गिरा था ना। थोड़ा मौसम खुल रहा है तो ये देखिए चेरियों में फ्लावरिंग होने वाली, कुछ एक में हो भी चुकी है, तो इसमें अभी नहीं हुई है, ये थोड़ी लेट वाली है। और सबसे बढ़िया ये हुआ कि जो मैंने फ्लावर्स लगाए हैं उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। और देखो ग्राउंड में ना कितने पत्ते आ गए, कितना गंदा है आज। जो ऊपर है ना ये पौधे, छत से ऊपर बांध के पौधे, मोरू बोलते हैं इनको पहाड़ी में, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, इसके पौधे, तो इसके पत्ते झड़ के नीचे आ रहे सारे। तो गाइस आज बना रही हूँ मैं मीठे सिड्डू, जिसके लिए मैं अभी तिल वगैरह पीसूंगी। तो मैं वैसे कभी नहीं बनाती हूँ मीठे सिड्डू, मैंने ठेक में खाए थे इसलिए बना रही हूँ मीठे सिड्डू की रेसिपी, मुझे बहुत टेस्टी लगी। इसमें मैं तिल डालूंगी और साथ में ड्राई फ्रूट डालूंगी और शक्कर डालूंगी। चलिए आपको दिखाते हैं, वैसे ये रेसिपी नहीं है फिर भी मैं बताती हूँ, ये वैसे मेरा ब्लॉग है तो चलिए आपको बताती हूँ। तो गाइस ये देखिए मैं तिल से बना रही हूँ आज सिड्डू, तिल वाली सिड्डू बनाऊंगी। पहले तिल को यहाँ पे रोस्ट करूंगी। ये हमारे यहाँ पे ना छोटा सा चाड़ू होता है, चीड़ से बनता है, चीड़ के पेड़ से, तो इसे ही हम घर का मतलब सारा काम करते हैं, जैसे ये झाड़ू मारना चूल्हे के पास, सब इसी से करते हैं। तो गाइस जो मैंने बुने हुए तिल थे अब इनको सील बट्टे पर पीस रही हूँ। सील बट्टे पर बहुत टेस्टी बनते हैं, तो पीसने के लिए मैंने सील बट्टा ही ज्यादा यूज करती हूँ मैं हर चीज के लिए। तो इसको पीस के ही मैं इनकी स्टफिंग करूंगी जो सिड्डू बनाऊंगी। जल्दी है दो तरह के बनाऊंगी सिड्डू, क्योंकि मेरी ना सास और हस्बैंड को आलू वाला सिड्डू पसंद है और मुझे। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई हमारे यहाँ पे सिड्डू बहुत बनते हैं और हमारे जो हिमाचल का वो ट्रेडिशनल फूड है उसमें सिड्डू सबसे मेन है। और मैं सबसे पहले बना रही हूँ नमकीन सिड्डू, क्योंकि मेरी फैमिली को नमकीन सिड्डू खाना ज़्यादा पसंद है और मुझे मीठे, तो इसके लिए मैंने अरवी की है स्टफिंग के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले आटा गूंथते हैं, ईस्ट डाल के आटा गूंथते ताकि वो फूल जाए। तो और फिर स्टफिंग के लिए ये अरबी की है बॉइल्ड, और बॉइल्ड अरबी में सारा नमक मिर्चे जो भी पड़ता है सब कुछ डाल दिए, हरे पत्ते, धनिया के पत्ते और लहसुन के पत्ते, बहुत टेस्टी बनता है उसे ये। और अब मैं मीठे सिद्धू के लिए ये देखो मैंने तिल पीसे थे और इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, साथ में ये शक्कर डाल रही हूँ और साथ में इसमें पड़ेगा घी। मैंने तिल को पहले हल्का सा रोस्ट किया था क्या बोलते तवे पे,
तो फिर उसको पीसा था सील बट्टे पे। फिर मेरे पास ड्राई फ्रूट पहले के ही पीसे हुए थे, क्योंकि हमने पाउडर बना के रखा होता है, चटनी बनाते हैं कभी कुछ बनाते हैं ड्राई फ्रूट में, तो अखरोट और बादाम पीस के रखे थे और थोड़े से काजू। तो ये देखिए मैं घी बिना पिघला डाल रही हूँ इसमें। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ मीठे सिड्डू बनाना। नमकीन मेरे बन गए हैं, तो ये देखिए गाइस मिट्टी सिड्डू इस तरह से बन रहे हैं। मैं तो सबसे बड़ी फैन हुई जब मैंने सियाराम सिड्डू में मीठा सिड्डू खाया ना, तो मुझे ऐसा था कि मुझे बनाना ही है। वहां पे तो अफीम का था, अफीम दाने का। तो जब भी कभी हमारे यहाँ पे मेहमान आते हैं तो उन्हें सिड्डू ज़रूर खिलाया जाता है, चाहे वो हिमाचल में शिमला हो, चाहे मंडी हो, चाहे कुल्लू हो, इन तीन डिस्ट्रिक्ट में बहुत बनाए जाते हैं सिड्डू और मेहमानों को बहुत खिलाए जाते हैं। तो गाइस ये देखो मेरे सिड्डू तैयार हो गया है। इसकी ना स्टफिंग भी बाहर फट रही है क्योंकि ज़्यादा हो गया था इसमें घी, और ये नमकीन वाला सिड्डू बिल्कुल सही है, ये नहीं फटे। तो गाइस ये मेरा सिड्डू रेडी, और घी और सिड्डू। तो ये घी और सिड्डू मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड जी को दे रही हूँ। तो ऐसे होते हैं हमारे यहाँ पे सिड्डू, एक मिनट काट के दिखाती हूँ। जी ना गोभी है, मैंने गोभी के कुछ पौधे लगाए थे, तो इनको मैं आगे नहीं रख सकती क्योंकि कभी ओला भी आ सकता है ना, ओले से ये खराब हो जाएंगे, तो इसलिए इनको मैं यहीं रहने देती हूँ अभी। इसमें भी बड़ा अच्छा पानी आया रेन लिली। तो ये देखो नीचे कितना गंदा हुआ है, क्योंकि इसमें ना मतलब वो गोबर डाला है ना मैंने, तो गोबर जब मैं पानी देती हूँ गमलों में तो गोबर बहकर बाहर निकलता है। और ये लिली का फ्लावर, वाह लोमड़ी भाग रहा है सुबह सुबह। और ये फ्लावरिंग हो रही है हमारे चेरियों के पेड़ों में। ये चेरियों के पेड़ों में फ्लावरिंग हो रही है। तो आज ये मौसम सारा दिन भर ऐसा ही है, ये देखिए कैसे धुंध पड़ी है और बारिश हो रही है। पर ये मौसम ना बहुत प्यारा लगता है मुझे, पर जब बादल गरजते तब अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।